मेरे बहुत ही अजीज तालिबान आसमकार सभी और मेरे लिए बहुत ही मदद की बात है इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ जहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चों ने जो मवाले पार्टिसिपेट किया। चूंकि मैं ये बहुत ही रहा करता था और ये स्पीचिंग हॉल और एसएस हॉल साउथ या एसएस हॉल नॉर्थ ये जो गवर्नमेंट ने इसमें चुने थे प्रोग्राम अक्सर हुआ करते कोई दिनों से प्रोग्राम बंद थे लेकिन मैं बदल दुजा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनके आने के बाद इस हॉल की जो सरगर्मियाँ हैं उस पर बहुत इजाफा हो रहा है क्योंकि बदल दुजा साहब का कोई भी ताल्लुक इन तमाम एक्टिविटीज And it was a pleasant surprise for me that he can speak not only in Urdu, he has been a very good Urdu speaker, but also in English. And that is why in the program that was organized in this case, we all are last time. I miss the opportunity to hear Hasif Atta, who has been the Deputy Secretary of the Indian Muslim University and who qualified in TCS. जब इन्होंने क्वालिफाई किया और मुझे बताया तो मेरे जहन में ये शेर आया था मैंने कहा रुकता हूँ वर्षों वर्ष की आवाज से मुझको जाना है बहुत उसे आगे बढ़वा देखिए आपने क्वालिफाई किया लेकिन आपके और ज्यादा उम्मीदें हैं और मैं यूपीएससी के जो रिजल्ट आएगा और उसमें इस बात का नाम देखूंगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी और मेरे युवा है कि अल्लाह का नाम ना करें और हुआ है और साथ साथ मुझे यकीन भी है कि अल्लाह की उस पर शामिल होती है और इंशाल्लाह क्वालिफाई होती है। देखिए ओलंपिया सतह के जो क्वीज के मुकाबले हुआ करते थे उसमें ये बड़ी सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे और मुझे बहुत खुशी है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्टिसिपेट करते थे जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की और प्राइज देने के ये हमारे सामने यूडीएलसी के दो तीन सेक्रेटरी बैठे हैं ये तमाम वो लोग हैं दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दी एक्टिविटीज एंड दे हैव बीन रिनिंग लॉरेल्स टू एबी दी एक्टिविटी दी मोर रेगुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा रेगुलर एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी आई आई टीच अ सब्जेक्ट फॉर द साइंस एंड आई थिंक सर हमीद साहब एंड अदर प्रेजेंटर्स दे आर ग्रेटर पीपल टू is deeply on this matter occasion that want to build up your career and all. Basically, as a student of political science, what I believe, I believe in mass employment, and my concern has always been mass employment. Not the few people qualifying and getting very good jobs and a degree. By that way, we can parrot them in the public and we can say that these are people who are qualified from our campus, they are doing very well. And also many other things that we can see. दो चीजें हैं देखिए कि ये इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई करें और बहुत नाम पैदा करें नंबर दूसरा आप जॉब सीकर भी हो लेकिन साथ साथ जॉब गिवर भी हो यानी अगर आप जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों के वो उस्ताद अली साहब की तरफ से खास करूंगा हमारे बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत छोटे कारोबार करते हैं और उनको अगर थोड़ी सी गाइडेंस हो तो वो उस कारोबार को बहुत बड़ा कारोबार कर सकते हैं लेकिन इतफाक से हम लोगों का जो पूरी एनर्जी आजकल कॉमेडी में सर हो रही है वो आईएएस एकेडमी बनाने वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एकेडमी होती है जिसमें आप हर शहर और मुल्क में आईएएस एकेडमी बना करके कोई रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते बल्कि उसमें आप बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे इसकी छोरे पाए इसके लिए यूपीएससी और इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते वहां तो रिसोर्स और बच्चों का भी वक्त बर्बाद कर तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दौड़ चली हुई है कि हर शहर में आईएएस एकेडमी बनाना जो लोग हैं यहाँ पे वो बेहतर जानते हैं और इस मतलब से गुजर रहे हैं कि बहुत स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स वगैरह होता है उसमें तो बेहतर है कि वो लोग एक्सेस कर सकते हैं लेकिन ऐसी जगहों पे कि कम्युनिटी से पैसे लिए जाए और फिर बिल्डिंग बनाई जाए दो चार
किसी का नाम नहीं लिया जाए, ये कोशिशें बहुत अच्छी कोशिशें नहीं है। नियतों में मुझे किसी की कोई शक नहीं है, लेकिन जो नियत होती है उसको ये देखना चाहिए कि आप उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं। कुछ तो मैं समझता हूँ कि ये करने की जरूरत। दूसरी अहम बात ये कि यूपीएससी और एग्जामिनेशन जिसमें आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डाउनलोड कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी इकतदार से पावर से दूर हो जाए, उसके अंदर इन जॉब्स का बहुत क्रेज भी होता है और उसकी बहुत जरूरत भी होती है। तो ये बेदारी बहुत अच्छी बात है और ये बेदारी होनी चाहिए और इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हर साल अगर 50-60 जो कभी आज तक नहीं हो पाया आबादी के बाद, अगर 50-60 आईएएस अफसरान पैदा कर दें, तो क्या रियल सिटीजन ऑफ द टर्म जिसे कहते हैं उसमें एनवायरमेंट ऑफ पॉवर्टी हो जाता है? क्या आप पॉवर्टी के चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं 50-60 आईएएस अफसरान या यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोगों की मदद? इसमें बहुत गौर करने की जरूरत है। और इसलिए जो कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स ऑफ डोमिनेंस को देखा है, और जब मैं मास एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी विदाउट वर्टिकल एजुकेशन पैदा नहीं हो सकती। और वो आपके सामने है मॉडल डॉक्टर अंबेडकर का, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए वर्टिकल एक्टिविज्म के जरिए और सोशल मोबिलाइजेशन के जरिए जो शील हासिल की, उसे हम कहते हैं रिजर्वेशन। और उसके नतीजे में आज वो फॉर्मर अनटचेबल्स जिन्हें कभी अनटचेबल कहा जाता था, वो तकरीबन आप देखिए रिजर्वेशन 15% और बाकी देखिए 20-22% आपको बड़ी तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर उस एक्टिविज्म की वजह से और उस मोबिलाइजेशन। लेकिन उस मोबिलाइजेशन में जो लोग पेश पेश होते हैं उनको बहुत सारे एडवर्सरीज का सामना करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम उस रास्ते को अख्तियार करने से डरते हैं, क्योंकि उसमें कन्फ्रंटेशन भी है, उसमें एडवर्सरीज भी है, और उसके लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियों की होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों पर जिसलिए कहा जाता है कि यू शुड कंसंट्रेट ऑन स्टडी, बट एट द सेम टाइम लार्जर जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है या तमाम अहम तबका और वर्लेबल ग्रुप्स, आई एम नॉट से ओनली मुस्लिम्स और वर्लेबल ग्रुप्स, उनके लिए मसला है कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक बहुत तेजी से मार्जिनलाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्लूजन भी हो रहा है। सोशल एक्सक्लूजन के साथ साथ अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं है और उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करने में चाहिए, तो अल्टीमेटली आप मार्जिनलाइज होते हुए एक्सक्लूड होते जा रहे हैं। इन डीपर क्वेश्चंस को एड्रेस करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये मौका आगे की बात होने की है और मैं जिसे कहते हैं आगे इतना मोशन बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि किस तरह की बातें नहीं होंगी। मैंने अपॉर्चुनिटी किसी अच्छे स्पीकर को सुनने की, लेकिन मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मुकाबले में। आपके याद रखिए आपके यहाँ प्राइज लेने आ रहे थे तो बच्चों से मैं कह रहा था कि आप सामने खड़े हैं, आपकी तस्वीर आनी चाहिए, छोटी सी बात नहीं होती। एक छोटा सा मेडल आपकी लाइफ में जो क्लास वन से लेकर या टेन तक आपने कभी हासिल किया होगा, वो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन है। इसलिए बच्चों के मुकाबलों में आप जरूर शरीक हो। मैंने आज तक अपनी लाइफ में जो मेरे साथ लेकर के और अपनी टीचिंग लाइफ में भी जो स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज में बहुत आगे रहे हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज में या क्विज वगैरह में, उनको कभी मैंने नाकाम नहीं किया। तो इसलिए आप अगर अपने क्लासमेट से या अपने स्कूल में उन बच्चों से अलग होकर के और इन चीजों में शरीक बने, तो ये आप समझिए कि जिंदगी में आपकी कामयाबी में ये बहुत अहम रोल अदा करेगा। क्योंकि जब आप किसी जगह जॉब में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आप इस क्लासरूम में जो पढ़ाया गया और जो नॉलेज नहीं कर रहा, उसके लिए बहुत सारी चीजों में करते हैं। आज से मतलब आप लोग इंटरव्यू में गए होंगे तो इन एक्टिविटीज में जो ये रहे तो उसका जो एडवांटेज है उसका अंदाजा ये लगा सकते हैं और ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि उसमें क्या फायदा है। अभी बात हो रही थी कि शायद आप पॉइंट आउट कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल की के यू में शायद इसकी कमी है। मैं समझता हूँ कि 2000 तक ये कमियां ज्यादा विजिबल थी,
अब मैं क्लास में भी देखता हूँ हमारे भी जगहों पे ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स का गाइड फ्रॉम मार्केट का अकाउंट है जो कम्युनिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम और यकीन अगर 50% की प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम है और उसको भी एड्रेस करना है तो इससे इनकार नहीं कर सकता लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कम्युनिकेशन से मुराद इंग्लिश कम्युनिकेशन है ये शायद बच्चों ने जिसमें किया हमें बात उसको अगर पॉइंट आउट करना है तो कम्युनिकेशन जो आपके सामने ये कह रहे हैं कम्युनिकेशन इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो जिस कम्युनिकेशन की जरूरत है जिस स्किल की जरूरत है और जो स्पेसेस है जहाँ पे आपको जाना है और जिस स्किल की जरूरत है मिसाल के तौर पर अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या हिंदी की वो स्किल है कम्युनिकेशन की जो जर्नलिज्म के लिए सुटेबल है आप उन तमाम नैरेटिव्स या डिस्कोर्सेस से वाकिफ हैं जो आज के दौर में हिब्बत के साथ जॉब लेने के लिए जरूरी है अगर आपकी आंखें खुली हुई नहीं है और कान खुले हुए नहीं है तो मैं आप ये याद रखिए कि उन जॉब्स में जहां पर बहुत ज्यादा रेटेड कॉम्पिटिशन का मामला नहीं होता कोई वर्ल्ड या कॉम्पिटिशन नहीं होता उसमें आप ये सोचते मेरे कि मैंने बहुत अच्छा किया क्यों नहीं निकाल लिया मुझे क्यों नहीं किया गया अक्सर स्टूडेंट आते सर मैंने सारे सवाल का जवाब दिया भाई सवाल आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के बारे में क्या कहते आपने कहा था कि जैसे सेक्युलर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ और अब तक मैंने सारे सवाल का जवाब दिया आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया आपके साथ जो 50 सवाल लोग बैठे हुए थे उन्होंने क्या जवाब दिया आपको नहीं पता आप अपने सवाल से बहुत उत्तीर्ण नजर आ रहे हैं उस जवाब से आपको ये देखना होगा कि ये तो सवाल सबसे कहना है ना उन 50 जवाब में कौन सा ऐसे जवाब आते हैं जिसको जॉब देने वाला कंसिडर कर रहा हो आपको कंसिडर नहीं कर रहा मैं उन मुस्लिम दानिशों में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता जो ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इम्तिहान नहीं बदला जाता ऐसा झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता और अगला मुझे इससे महफूज है यह हकीकत है कि डिस्क्रिमिनेशन भी एक हकीकत है और इसकी स्टडी की गई है देखिए यूजीसी के चेयरमैन के फराग को उन्होंने बहुत अच्छी सोशल एजुकेशन की स्टडी की है मार्जिनलाइजेशन की स्टडी की है और यदि डॉक्टर देखते हैं तो क्या आता है शमिका शेख प्रणी को रिजर्वेशन की बात को कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम माइनॉरिटी भी हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है और हिस्टोरिकली एक फैक्टर्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हॉस्टिलिटी फेस करते हैं वो अपनी जगह लेकिन ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे और इसके साथ आपको सर्वाइव करना है तो जब आपको सर्वाइव करना है तो आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस स्किल के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे इस तरह के प्रोग्रामों में आप हिस्सा लेंगे ऐसे लोगों को सुनेंगे जो आपके जहन के तरीके खोल देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आपके आने वाले सत्रों में साधन करेंगे मैंने आपसे ये कहा था कि मैं ये जो इस तरह के प्रोग्राम की जो नोयत है उसके अपने तकादे होते हैं और उसके बेहतर लोग मौजूद हैं प्रोफेशनल हैं जो इसके पास ये स्किल थे कि आप कौन है कि आप जिंदगी के दौर में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं मेरी अपने कुछ इसमें मुस्तरात भी हैं और मेरे कुछ अपने तासुरात भी हैं मैं आज के मौके पर नहीं समझता कि वो जरूरी है या पेश किया जाए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ सारी साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जिस तरह से कैंपस को कनेक्ट किया खास करके स्टूडेंट्स और करियर में किस तरह से आपने गाइडेंस देने की कोशिश की डिफरेंट फील्ड के लोगों चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आए तो मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे यहाँ कोई वाइब्रेंट सेंटर मौजूद है जहाँ पे बच्चों को काउंसलिंग मिल सकती है बच्चों को प्लेसमेंट वगैरह में जो मदद मिल रही है तो ये बहुत ही विजिबल है और मैं आगे क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ तो मैं आपके कमिटमेंट से भी बात करता हूँ तो इसके लिए अल्लाह आपको जजाए खैर दे और मैं बदरुद्दोजा भाई जो मौजूद हैं तो मैं आपको बदरुद्दोजा भाई तकरीबन इतने दिनों तक ऐसे सवाल साउथ में प्रोवोस्ट हैं ये चमकता हुआ आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की राजधानी है मैं अपने जमाने में हम लोगों को ये हॉस्टल में रह सकते थे कि कौन सा हॉल अच्छा तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैं सफेद हॉल में रहता हूँ और बाकी लोगों में और सफेद में और सफेद हॉल में बड़ी फर्क है जो सफेद और बाकी लोगों में पता था ये बात हमारे लिए सब बहुत अजीज है इस सवाल और खासकर के ये एरिया में हमें रोज कोई ना कोई प्रोग्राम पढ़े लिखे आना उनके तमाम तकाजे
उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो विजिबल नहीं होती आपके सामने, जो प्रोवोस्ट जानना होता है, जो डॉक्टर जानना होता है, जो वाइस चांसलर जानना होता है, जो आपके सामने नहीं होती। तो उन तमाम तनाजों को आप जिस हिम्मत के साथ गुजार कर रहे हैं, बदलना इसके लिए बहुत मुबारकबाद बदला है, चुकी थी और ये रहा करते थे, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है इस कॉम्बो में, जो कहते हैं कि इस वक्त में ज्यादा खींची है, इस वक्त नागर थोड़े हैं, मेरा ताल्लुक इस कॉम्बो से वही है। तो बदल रहे आप तकरीबन प्रोफेसर ये प्रोस के डायरेक्टर की हैसियत रखते आ गए, आपको बहुत मुबारकबाद और विनाइटर बहुत मुबारकबाद सभी आपको अब्दुल्ला सरकार सभी और आसिफ अल्लाह। मैंने आसिफ अल्लाह को नहीं सुना लेकिन जिन लोगों ने सुना होगा मैं ये समझता हूँ कि उन्हें बहुत जैसे कहते हैं मोटिवेशन हासिल हुआ होगा। जब मैं आया तो आप खत्म कर रहे थे, एक बात मैं कहता हूँ कि तमाम ऑर्गेनाइजर से बता देखिए, अगर कोई प्रोग्राम में मेरे के साथ कोई लेट आता है डिफॉल्टर आप सकते हैं तो ये उसकी गलती है, जो स्पीकर बोलता है उसकी गलती है। तो आप कोई असेसमेंट क्रिएट ना करें कि जिससे स्पीकर को कोई परेशानी नहीं होती, कोई भी आए देव साहब जो आ रहा है वो डिफॉल्टर, मैं भी डिफॉल्टर हूँ। तो जब स्पीकर बोल रहा है तो उसको आप उसकी स्पीच को खत्म कर दें, बाकी जो भी आप बातें करें आप कोई भी आए यहाँ किनारे बैठे या बुलाकर किनारे बैठे, क्योंकि उसका फ्लो मत बोलिए। वो जब 10-15 मिनट की बात करने के बाद एक खास बात आपके सामने रखने जा रहा है और उसमें जब लोग बीच में आते हैं और उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं देर से आया और आपकी स्पीच उसकी वजह से इंटरप्ट हुई, बड़ी टीम की बातें फिर बच्चों के चेहरे से निकल जाती हैं। और बच्चों आपको बहुत मुबारकबाद, जिस तरह से आपने आपका एक जीता मुझे अंदाजा है कि किस तरह के सवाल क्वींस में या मंत्री के बोल होते हैं। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, एमएसओ के तमाम मेम्बरान के लिए शेर है कि ये मेरे दादा से कोई कहते वो अपनी किरणों को गिन के रख ले, ये मेरे दादा से कोई कहते वो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के फिबरे फिबरे को खुद चमकना सीखा रहा। बहुत शुक्रिया सर।